الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله इधर थोड़ा या आवाज सेट करे जी हजरात अल्लाह वहदहु ला शरीक दी हमद व सना तो बाद ला तादाद बेशुमार दुरूद व सलाम इमामुल अंबिया हबीब किबरिया जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सल्लम दी जाते गिरामी थे। रात दा काफी हिस्सा गुजर चुके हैं, बल्कि हुण ते रात दे आखरी पैर शुरू हो रहे ने। अल्लाह को दुआ है कि अल्लाह तुहाडा सारिआं दा सारी रात बैठ के सुनना अपनी बारगाह दे अंदर कबूल फरमाए। भाई थोड़ी तवज्जो दी जरूरत है, मेरे जिम्मे अल्लाह ताला इस भाई नूं भी जजाए खैर दे। माशाल्लाह सारी रात बैठे है तुहाडी खिदमत वास्ते, अल्लाह इन्हां नूं बरकत अता फरमाए। मेरे जिम्मे उनवान जो लगाया गया है वो उनवान शायद तुहाडे मिजाज के मुताबिक नहीं, लेकिन इंशाअल्लाह मैं बयान ते करना है। मेरे जिम्मे लगाया गया है संजीदा लोगों की गुफ्तगू है, संजीदा लोगों वास्ते। मैं दरख्वास्त करांगा कि मैं तालिब इलम दी इस बात को थोड़ी संजीदगी नाल जरूर समात फरमा लेना, ताकि मेरे आउन का मकसद अल्लाह की रहमत नाल पूरा हो जाए।
उनवान है कि इस्लामी मुआशरे के अंदर औरत दा की किरदार है। हजरात बंदा निकाह कर दे, निकाह तो बाद अल्लाह उन्हों औलाद अता फरमांदे ने, एक फैमिली बनती है, एक कराना तैयार होंदे, उस फैमिली तो फिर खानदान बनदे, उस खानदान तो एक कौम बनती है, फिर मुआशरा तश्कील पांदे, यानी मुआशरे और कौम की बुनियाद मियां बीवी तो होंदी है। पहली सीढ़ी है कि जिस औरत ने औलाद नु जन्म देना है, जैसी वो औरत होएगी वैसी औलाद की तरबियत होएगी, जैसी औलाद की तरबियत होएगी वैसा कराना तश्कील पाएगा, फैमिली बनेगी, और उस फैमिली तो उस तरबियत के मुताबिक खानदान तैयार होएगा। जो खानदाना की तरबियत अच्छी होएगी, कौम अच्छी तश्कील पाएगी, जो कौम की तरबियत अच्छी होएगी मुआशरा बेहतरीन बन जाएगा। हजरात अगर औरत दा अपना इखलाक और किरदार अच्छा होए, वो अपनी औलाद की तरबियत भी उसे अखलाक और किरदार के मुताबिक करेगी, और अगर औरत टिक टॉक बनाने वाली होए, अगर औरत फेसबुक दी माहिर होए, अगर औरत गाने गान वाली और डांस करने वाली होए, अगर औरत भंगड़े पान वाली होए, अगर औरत मिजारा ते जाके नचन वाली होए, अगर औरत रबीउल अव्वल दे महीने मिलादुन नबी दे नाम ते बन फब के जुलूसा दे अंदर आन वाली होए, ते फिर ओदी औलाद दी तरबियत भी उंजदी होएगी जिवें दी तरबियत होएगी ओवें दा खानदान बनेगा, जिवें दी तरबियत होएगी ओवें दी कौम बनेगी, जिवें दी तरबियत होएगी ओवें दा फिर मुआशरा बनेगा। हजरात इसे वास्ते मेरे और तुहाडे महबूब पैगंबर जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सारे गज के कहो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया सी, आओ मेरे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा फरमान सुनो। मैं दसना चाहना कि एक नेक औरत मुसलमान औरत दा मोमिना औरत दा इस्लामी मुआशरे दे अंदर क्या किरदार होया कर दे, और एक किरदार किमें बनिया कर देने, इब्तदा कितों होंदी है। मेरे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अपने सहाबा नू और मनन वालिया नू, मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम ने दसिया, आप फरमांदे ने लोगो औरत दे नाल निकाह चार वजह तो कीता जांदा है। हदीस दे अल्फाज समात फरमाना, ए हदीस मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम दी बुखारी और मुस्लिम में मौजूद है। आप फरमांदे ने तुनका हुल मरअतु लिअरबईन लिमालिहा वलि हसबिहा वजमालिहा वले दीनहा फज़फर बिज़ातिद्दीन तारीबत यदागा। नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमांदे ने फरमाया औरत नल चार वजह तो निकाह कीता जांदा है, चार चीजा ने जिस वजह तो औरत दे नाल निकाह कीता जांदा है। लिमालिहा, या ते औरत नल निकाह कीता जांदा है कि मालदार खतून है, मालदार खतून नल निकाह करांगे घर दे अंदर माल आएगा। वली हासबिहा, या फिर औरत नल निकाह कीता जांदा है एदा
खानदान बड़ा उच्चा है, हसबो नसब बड़ा उच्चा है, एदे नल निकाह करांगे मेरा भी हसबो नसब उच्चा हो जाएगा। वजमालिहा या फिर औरत नल निकाह कीता जांदा है, औरत खूबसूरत बड़ी है, हुसीना ते जमीला बड़ी है, या फिर मेरे पैगंबर फरमांदे ने औरत नल निकाह कीता जांदा है लिदीन आ ओदे दीन दी वजह तो, ते मेरे पैगंबर अलैहि सलातो वसलाम फरमांदे ने ओ मेरे मनन वाले हो माल नु तरजीह ना दे आजे, ओ मेरे मनन वाले हो हसबो नसब नु तरजीह ना दे आजे, ओ मेरे मनन वाले हो जमाल ते खूबसूरतियां नु तरजीह ना दे आजे। अल्लाह दे नबी फिर केड़ी शै नु तरजीह दई है, फरमाया फज़फर बिज़ातिद्दीन, तुसी दीन नु तरजीह दे आजे, मोमिना औरत नाल निकाह करे आजे, अच्छे अकीदे वाली औरत नाल निकाह करे आजे, अच्छे अखलाक वाली औरत नाल निकाह करे आजे, अच्छे किरदार वाली औरत नाल निकाह करे आजे, बाहया औरत नाल निकाह करे आजे, मुसलमान औरत नाल निकाह करे आजे, कुरान पढ़न वाली औरत नाल निकाह करे आजे, हदीस समझन वाली औरत नाल निकाह करे आजे, दीनदार औरत नाल निकाह करे आजे, दीन नाल मुहब्बत करन वाली औरत नाल निकाह करे आजे। अल्लाह दे पैगंबर एदा फायदा की होवेगा, फरमाया जिदो मां दीन नाल प्यार करन वाली होएगी औलाद दीन नाल मुहब्बत करन वाली बनेगी, जिदो मां दीन नाल प्यार करन वाली होएगी औलाद बुखारी जैसी पैदा होएगी, जिदो मां दीन नाल मुहब्बत करन वाली होएगी औलाद मुस्लिम जैसी पैदा होएगी, जिदो औलाद दीन नाल प्यार करन वाली होएगी औलाद तिरमिज़ी ते अबू दाऊद जैसी पैदा होएगी, जिदो औलाद जिदो मां दीन नाल प्यार करन वाली होएगी औलाद नसाई जैसी इब्ने माजा जैसी पैदा होएगी, जिदो मां दीन नाल प्यार करन वाली होएगी औलाद सलाहुद्दीन अय्यूबी जैसी पैदा होएगी, जिदो मां दीन नाल प्यार करन वाली होएगी औलाद नूरुद्दीन जंगी जैसी पैदा होएगी, जिदो मां दीन नाल प्यार करन वाली होएगी औलाद खत्मे नबुव्वत दी पहरेदार पैदा होएगी, औलाद कुरान और हदीस दी आलिम पैदा होएगी, और जिदो मां दी तरबियत किताबो सुन्नत दे मुताबिक होएगी फिर ओ तरबियत औलाद विच आएगी, औलाद अल्लाह और उसके रसूल दी फरमा बरदार बन जाएगी। इस वास्ते फज़फर बिज़ातिद्दीन, दीन वाली औरत नु तरजीह दे आजे, नेक औरत नाल निकाह करे आजे, नेक औरत नु अपने निकाह दे अंदर लेके आया जे। हजरात आओ मैं दसना चाहना मेरे रब ने इस नेक औरत दे मुतालिक अपने कुरान दे अंदर की फरमाया कि नेक औरत हुंदी कौन है, नेक औरत आंदे किन्नो ने। मैं जड़ी आयत मुबारक दा थोड़ा जिहा हिस्सा तुहाडे खिदमत दे अंदर शुरू ते तलावत कीता है, रब दा कुरान ऐलान करदा है, मौला फरमांदे ने फसालिहातु कानितातुन हाफिज़ातुन लिल भी बिमा हाफिज अल्लाह फरमांदे ने नेक औरत कौन है, फसालिहातु पस नेक औरतां, अल्लाह केड़ियां ने नेक औरतां, नेक औरतां दी अलामत की है, फरमाया कानतातु नेक औरतां ने जेड़ियां अल्लाह दियां फरमा बरदार हुंदियां ने, नेक औरतां ने जेड़ियां अल्लाह दियां फरमा बरदारियां करन वालियां हुंदियां ने, हाफिज़ातु लिल गैब बिमा हाफिज अल्लाह, जेड़ी ओना दी असमत दी हिफाजत अल्लाह ने फरमाई है, ओना दी इज्जत दी हिफाजत अल्लाह ने फरमाई है, उस चीज दी ए आप भी हिफाजत करन वालियां ने। एदा मतलब की है, रब दियां फरमा बरदार औरतां नेक औरतां हुंदियां ने, अपनी शर्मगाह दी हिफाजत करन वालियां औरतां नेक औरतां होया करदियां ने, बेहयाई तो बचन वालियां औरतां नेक औरतां होया करदियां ने, बदकारी तो बचन वालियां औरतां नेक औरतां होया करदियां ने। हजरात आओ मैं दसा रब दा कुरान इन औरतां
ਦੀਆਂ ਅਜ਼ਮਤਾਂ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਨਾਂ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਜਨਾਬ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਵੀ ਨੇਕ ਔਰਤ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਬਿਆਨ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ। ਆਪ ਕੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ? ਆਪ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਫਰਮਾਇਆ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਫਾਇਦੇ ਦਾ ਸਮਾਨ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਾਧੋ ਸਮਾਨ ਇਨਸਾਨ ਵਾਸਤੇ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। ਵਾ ਖੈਰੁ ਮਤਾਇ ਦੁਨੀਆ ਅਲ ਮਰਅਤੁ ਸਾਲਿਹਾ। ਨਬੀ ਪਾਕ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਮਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਇਨਸਾਨ ਵਾਸਤੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਫਾਇਦੇ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਲ ਮਰਅਤੁ ਸਾਲਿਹਾ ਨੇਕ ਔਰਤ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਨੇਕ ਔਰਤ ਕਿਨੂੰ ਆਂਦੇ ਨੇ? ਨੇਕ ਔਰਤ ਦੀ ਕੀ ਅਲਾਮਤ ਹੈ? ਆਓ ਸੁਣੋ, ਨੇਕ ਔਰਤ ਦੀ ਅਲਾਮਤ ਕੀ ਹੈ? ਅੱਲਾ ਦੇ ਪੈਗੰਬਰ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਤੁ ਵਸਸਲਾਮ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਆਪ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਨੇਕ ਔਰਤ ਹੋਵੇ ਖੈਰੁ ਮਾ ਯਕਨਜ਼ੁਲ ਮਰਉ ਅਲ ਮਰਅਤੁ ਸਾਲਿਹਾ ਇਜ਼ਾ ਨਜ਼ਰਾ ਇਲੈਹਾ ਸਰਤੁਹੁ ਵਾ ਇਜ਼ਾ ਅਮਰਹਾ ਅਤਾਅਤੁਹੁ ਵਾ ਇਜ਼ਾ ਗਾਬਾ ਅਨਹਾ ਹਫਿਜ਼ਤੁਹੁ। ਨਬੀ ਪਾਕ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਖਜ਼ਾਨਾ ਲੋਗੋ ਨੇਕ ਔਰਤ ਜੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇਕ ਬੀਵੀ ਅਤਾ ਫਰਮਾ ਦੇ, ਸਮਝੋ ਰੱਬ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਅਤਾ ਫਰਮਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਨੇਕ ਔਰਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸਮਝੋ ਰੱਬ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬੜੀ ਦੌਲਤ ਨਾਲ ਨਵਾਜ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਨੇਕ ਔਰਤ ਅਤਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਰੱਬ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਜੰਨਤ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਬਾਇਸੇ ਸਕੂਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਨੇਕ ਔਰਤ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ। ਸੋਹਣਿਆ, ਨੇਕ ਔਰਤ ਦੀ ਅਲਾਮਤ ਕੀ ਹੈ? ਨਬੀ ਪਾਕ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇਜ਼ਾ ਨਜ਼ਰਾ ਇਲੈਹਾ ਸਰਤੁ। ਨੇਕ ਔਰਤ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਵੇ, ਜਦੋਂ ਖਾਵੰਦ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਖਾਵੰਦ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਵਾ ਇਜ਼ਾ ਅਮਰਹਾ ਅਤਾਅਤੁ, ਜਦੋਂ ਖਾਵੰਦ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਅੱਛੇ ਕੰਮ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵਾਸਤੇ ਬੁਲਾਉਂਦਾ, ਤੇ ਫਰਮਾਇਆ ਉਹ ਬੀਬੀ ਆਪਣੇ ਖਾਵੰਦ ਦੀ ਇਤਾਅਤ ਤੇ ਫਰਮਾ ਬਰਦਾਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਵਾ ਇਜ਼ਾ ਗਾਬਾ ਅਨਹਾ ਹਫਿਜ਼ਤੁ, ਆ ਜਿਹੜੀ ਬਾਤ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦਾ ਨਸੂਰ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਬੁਰਾਈ ਫੈਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹਨਾ, ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਨੇਕ ਔਰਤ ਹੋਵੇ ਖਾਵੰਦ ਆ ਕੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੇ, ਆਪਣੇ ਖਾਵੰਦ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਆਪਣੇ ਖਾਵੰਦ ਖਾਵੰਦ ਹੁਕਮ ਦੇਵੇ, ਆਪਣੇ ਖਾਵੰਦ ਦੀ ਇਤਾਅਤ ਤੇ ਫਰਮਾ ਬਰਦਾਰੀ ਕਰੇ। ਵਾ ਇਜ਼ਾ ਗਾਬਾ ਅਨਹਾ ਹਫਿਜ਼ਤੁ, ਨੇਕ ਔਰਤ ਹੋਵੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਖਾਵੰਦ ਕੋਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਤੇ ਖਾਵੰਦ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਮੋਮਿਨ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਨਿਕਾਹਾਂ ਚ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਾਵੰਦ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਵੱਲ ਨਜ਼ਰ ਉਠਾਉਂਦੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਾਵੰਦ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਵੱਜੋ ਕਰਦੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਾਵੰਦ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਵੱਲ ਵੇਂਦੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਖਾਵੰਦ ਦੀ ਗੈਰ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੱਲ ਤੱਕਦੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਖਾਵੰਦ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਖਾਵੰਦ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਖਾਵੰਦ ਦੀ ਗੈਰ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਆਬਰੂ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਅਸਮਤ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਖਾਵੰਦ ਗਿਆ ਦੁਬਈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਰਾਬਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ, ਖਾਵੰਦ ਗਿਆ ਸਾਊਦੀਆ ਇੱਥੇ ਰਾਬਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ, ਕਿਧਰੇ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਤੇ ਰਾਬਤੇ, ਕਿਧਰੇ ਜਨਾਬ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਰਾਬਤੇ, ਕਿਧਰੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਰਾਬਤੇ, ਕਿਧਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਰਾਬਤੇ, ਕਿਧਰੇ ਜਨਾਬ ਕਿਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੇ ਰਾਬਤੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਨੇਕ ਔਰਤ, ਨੇਕ ਔਰਤ ਹੋਵੇ ਖਾਵੰਦ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਦੀ ਏ, ਆਪਣੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੀ ਵੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਦੀ ਏ, ਆਪਣੀ ਆਬਰੂ ਦੀ ਵੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਦੀ ਏ, ਆਪਣੀਆਂ ਨਿਗਾਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਦੀ ਏ, ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਵੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਦੀ ਏ, ਖਾਵੰਦ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਵੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਦੀ ਏ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇਕ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਔਲਾਦ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪਾਕ ਦਾਮਨ ਹੋਏਗੀ, ਫਿਰ ਮੁਆਸ਼ਰਾ ਬਾਹਿਆ ਬਣੇਗਾ, ਫਿਰ
اسے لئے میرے پیغمبر نے فرمایا فَذْفَرْ بِذَاتِ دِين، دین والی عورت نو ترجیح دینا. اور پتا جے ماں دی گود اولاد دی پہلی کی ہندی ہے والا درسگاہ، ماں دی گود وچوں سب تو پہلے بچہ تربیت مند ہے. میں تے کہنا حالے بچہ چند مہینے آدھے تے ماں بچے نو دودھ پلان دیئے، اپنے سینے نلہ کی انو خوراک مہیا کر دیئے، تے دودھ دے اثرات اندھے نے. تو ہاں بھی سنیا ہونا ہے کہ ماں دے دودھ دا اثر آندھے نے 40 سال تک رہی دے. سنی جے گل کے نہیں سنی، اور سنی جے تو سائے سمجھے، اور طاقت دے لیا حضر علی 40 سال تک رہی دے. وہ ایکو چھے تے نہیں ایک شید نو رکھ دینا چاہی دے، بلکہ وہ دے چگور کرنا چاہی دے. وہ جے طاقت دے اعتبار نل دودھ 40 سال تک بچے دے اتے اثر انداز رہی دے، میں کہنا کردار دے اعتبار نل بھی وہ دودھ اولاد دے اتے اثر انداز ہوندے. جے دودھ پہ لاندیاں ماں جڑیے او فیس بک چلائے، دودھ پلاندیاں گانے گائے، دودھ پلاندیاں مختلف ٹیوناں سنے، دودھ پلاندیاں فلماں دیکھے، دودھ پلاندیاں جناب اے ہو جے دوڑے مرسیے، اور اے ہو جے جناب گانے اور فلمیاں فلمی جناب بول بولے، تے پھر اس دودھ دے اثرات بھی بچے تے بچی وچ او ہو ہی جانے نے نا، تے پھر بچے نے بھی ہوش سنبھال دیا. ساری اب ماں نو آکھنا ہے ایک ٹچ موبائل مجھے بھی چاہیے. تے ساڈے گھراں دا حال ہی نہیں، بچے نو ٹرنا نہیں آندا، بچے نو بولنا نہیں آندا، پر بچے نو چپ کرانا ہوئے تے موبائل پھڑا دیو، پا میں ساری دیاری دودھ نہ دیو. اور آج کل دیا سیانیاں ماما انجی کر دیا نے نا، بچے نو موبائل پھڑا چلے لے بچہ تے آنے لگا رہے. حضرات اگر ماں اس طرح دی ہوئے گی، اولاد دی تربیت انج دی ہوئے گی، قوم انج دی بنے گی، خاندان انج دا بنے گا، معاشرہ انج دا بنے گا. جے ماں ہوئے قرآن پڑھن والی، کی پڑھن والی؟ اور سارے بولو قرآن پڑھن والی. کی پڑھن والی؟ بچے نو سینے نہ لگایا ہے، بسم اللہ پڑھ کے ماں بچے نو دودھ پلان دی ہے، نالے بچہ دودھ پیا پیند ہے، تے نالے ماں پڑھ دی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. اور نالے ماں بچے نو کھانا کھلا رہی ہے، تے نالے پڑھ دیئے اپنی زبان دے نال الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. اور نالے ماں بچے دیا تربیتاں بھی کر دیئے، نالے انو دودھ دے رہی ہے، نالے انو کھانا کھلا رہی ہے، نالے پڑھ دیئے اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتہا کاذبہ خافضہ الرافعہ اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بسا. فجر دا ٹیم ہوئے تے ماں نماز پڑھ دیئے، بچہ جے جاگ دے تے نال کھڑا کر لیندی ہے. زہر دی نماز دا وقت ہوئے ماں نماز پڑھ دیئے نال بچے نو کھڑا کر لیندی ہے، عصر دی نماز دا وقت ہوئے ماں نماز پڑھ دیئے نال بچے نو کھڑا کر لیندی ہے، مغرب دی نماز دا وقت ہوئے ماں نماز پڑھ دیئے نال بچے نو کھڑا کر لیندی ہے، عشاء دی نماز دا وقت ہوئے ماں نماز پڑھ دیئے نال بچے نو کھڑا کر لیندی ہے. اور جدو 5 وقت ماں بچے نو سامنے بٹھا کے کول کھڑا کر کے اٹھا کے مصلی تے کھلو کے نماز پڑھے گی، انشاءاللہ پھر او بچہ 5 وقت دا نمازی بنے گا، او بچہ قرآن دا حافظ بنے گا، قرآن دا قاری بنے گا، قرآن دا عالم بنے گا، قرآن تے عمل کرن والا صحیح معنی اج مومن تے مسلمان بنے گا.
हजरात आओ मैं दसा मां का की किरदार होना चाहिए। सही अल बुखारी की रवायत है, अल्लाह दे पाक पैगंबर जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमांदे ने अला वकुल्लुकुम राइन वकुल्लुकुम मसूलुन अन रईयतिही। आप फरमांदे ने खबरदार, अला हरफे तंबीह है, खबरदार तवज्जो करो अल्लाह दे नबी की फरमाना चाह रहे हो। फरमाया कुल्लुकुम राइन, तुहाडे विचों हर बंदा राई है। राई दा माना निगेबान है, निगरान है, हाकिम है, चरवा है। फरमाया तुहाडे विचों हर बंदा निगेबान है, तुहाडे विचों हर बंदा निगरान है। वकुल्लुकुम मसूलुन अन रईयतिही। कियामत दा दिन होने है, रब ने तुहाडे सारियां कोलों ओदी रियाया दे मुतलक सवाल करना है। और मेरे पैगंबर अली सलातो सलाम ने दसिया है, मर्द हाके में अपनी बीवी दे ऊपर, मर्द हाके में अपनी औलाद दे ऊपर, मर्द हाके में अपने जेरे कफालत अफराद दे ऊपर एदे कोलो एदी रियाया, एदे बच्चियां दे बारे, एदी बीवी दे बारे, एदे आलो अयाल दे बारे, एदे करवालियां दे बारे कल कियामत नू रब ने सवाल करना है। सवाल की करना है? रब ने सवाल करना, दस बच्चिया नू हलाल खवाया सही, कमा के हराम खवाया सही, बच्चिया नू जायज ते नजायज दा फर्क दसिया सी के नहीं सी दसिया, बच्चिया नू सही ते गलत दा फर्क दसिया के नहीं दसिया, बच्चिया नू किताबो सुन्नत दी तालीम दिती के नहीं दिती, बच्चिया नू दीन पढ़ाया के नहीं पढ़ाया, बच्चिया नू अल्लाह दी पहचान करवाई के नहीं करवाई, बच्चिया नू नबी पाक दी सुन्नत दसी के नहीं दसी, बच्चिया नू दीन दी तालीम नाल जनाबा रास्ता कीता के नहीं कीता। रब ने सारे सवाल करने ने, असा जवाब देने ने। और जरा सोचो जो रब पूछेगा तो असी की जवाब देवांगे। और सिर्फ मर्द ही राई नहीं, क्योंकि मौजू है औरत दे वाले नाल, ते इस हदीस दा अगला हिस्सा मैं सुनावा। नबी पाक फरमांदे ने वल मर अतु राइयतुन, वल मर अतु राइयतुन, अल्लाह दे पैगंबर फरमांदे ने ओ लोगो वल मर अतु राइयतुन अला आले बैते ज़ौजहा वलदही वहिया मसूलतुन अनहुम। नबी पाक फरमांदे ने औरत भी राई है, औरत भी निगेबान है, औरत भी निगरान है। अल्लाह दे नबी औरत का देते राई है, औरत का देते निगेबान है, औरत का देते निगरान है। फरमाया अला अहले, अला अहले बैत, अला अहले बैत ज़ौजहा वलदही। औरत खामंद घर वालियां ते निगेबान है, औरत औलाद दे ऊपर निगेबान है, औरत घर दी चार दीवारी दी निगेबान है। रब ने औरत नू निगेबानी दिती है खामंद दी चार दीवारी दी हिफाजत करन दी। रब ने औरत नू निगेबानी दिती है खामंद दी इज्जत और आबरू दी। औरत नू रब ने निगेबानी दिती है कर दी औलाद दी, कि अल्लाह ने कल कियामत नू इस औरत कोलों भी सवाल करना है। ए बीबी दस, मैं तेनू औलाद दीती, तू औलाद दी तरबियत किवें कीती, तेरी गोद नू मैं पहली दरसगाह बनाया, तू बच्चियां दी तरबियत की करके आई है, उन्हां नू केड़े रस्ते ते चला के आई है, उन्हां नू की समझा के आई है, की दस के आई है। और मैं तेनू खामंद दी घर दी चार दीवारी उते निगेबान बनाया सी, किधरे ओदी गैर मौजूदगी ते तेरे घर विच कोई गैर महरम ते नहीं आउंदा रिहा। अगर ये औरत इस जवाब वास्ते अपने आप नू तैयार कर ले, अल्लाह दी कसम इस औरत के हथों एक बेहतरीन मुआशरा तश्कील पाएगा, एक बेहतरीन कौम तैयार होएगी, जिदे विच मुजाहिद होंगे, जिदे विच आलिम होंगे, जिदे विच बाहिया होंगे, जिदे विच मोमिन होंगे, जिदे विच नमाजी होंगे, जिदे विच अल्लाह और उसके रसूल दे फरमा बरदार होंगे, जिदे विच मुल्को कौमो मिल्लत दे पासदार होंगे, पासबान होंगे। एहो जी औरत दी औलाद विच गद्दार पैदा नहीं होंगे, एहो जी औरत दी औलाद विच
बेईमान पैदा नहीं होंगे। एहो जी नेक औरत दी औलाद विच अल्लाह और उसके रसूल दे मुखालिफीन पैदा नहीं होंगे। औरत दा किरदार अपने घर नू बेहतरीन बनाए, अपनी औलाद की तरबियत करे, अपनी औलाद नू सवारे, क्योंकि इथो ही मुआशरा तश्कील पाना है। और एक बात मैं और करके बात खत्म करना चाहना, क्योंकि वक्त की किल्लत है। उलमाए किराम माशाल्लाह मौजूद ने, मैनू इहदा शिद्दत नाल एहसास है, क्योंकि मैनू भी कोई चार घंटे हो गए ने इत्थे आके बैठे हाँ, इस वास्ते मैनू बड़ा एहसास है। तवज्जो फरमाना, आखिरी बात मैं करना चाहना, औरत नू मेरे रब ने इस तो इलावा होर भी एक किरदार दिता है। वह किरदार की दिता है, आओ जरा कुरान सुनिया जे कुरान की आंदा है। सूरह तौबा है, मौला फरमांदे ने वल मुमिनूना वल मुमिनात वल मुमिनूना वल मुमिनात बाज़ुहुम औलियाउ बाज़ुहुम यामरूना बिल मारूफी व यनहौना अनिल मुनकर यामरूना बिल मारूफी व यनहौना अनिल मुनकर व युकीमूना सला व युतूना ज़का व युतीऊना अल्लाह व रसूला उलाइका सयरहमुहुमुल्लाह इन्नल्लाह अज़ीज़ुन हकीम। रब ने इत्थे मोमिनीन मोमिनात दोवां दा तज़किरा फरमाया है। मैं जेड़ी बात समझाना चाहना सुनो, अल्लाह फरमांदे ने मोमिन मर्द ते मोमिना औरतां, मोमिन मर्द ते ईमान वालियां औरतां, बाज़ुहुम औलियाउ बाज़ुहुम इन्हां दा बाज़ दा बाज़ दे नाल इन्हां दा आपस विच इस्लामी रिश्ता है, आपस दे अंदर इस्लामी मुहब्बत इस्लामी अखुवत इस्लामी भाईचारा है। अल्लाह ए मोमिन मर्द ते मोमिना औरतां, अल्लाह तू इन्हां दीयां ड्यूटियां की लाइयां ने, अल्लाह तू इन्हां दीयां जिम्मेदारियां की लाइयां ने। फरमाया या अमरूना बिल मारूफी व यनहौना अनिल मुनकर। ओ मोमिन मर्द ते मोमिना औरतां, इन्हां सारियां दीयां मैं ड्यूटियां लाइयां ने। या अमरूना बिल आवेको इस्लामी मुआशरे दे औरत दा किरदार की होना चाहिए। या अमरूना बिल मारूफी व यनहौना अनिल कर, ए मोमिन मर्द भी ते मोमिना औरतां भी, या मरूना बिल मारूफी, इन्हां दी जिम्मेदारी है कि अपनी ताकत दे मुताबिक हसबे ताकत इन्हां नूं चाहिदा चंगे कम्मां दा हुक्म देन ते मंदे कम्मां तो मना करन, अमर बिल मारूफ करन नहीं अनिल मुनकर करन, अच्छे कम्मां दा हुक्म देन बुरे कम्मां तो मना करन। या मरूना बिल मारूफी वयनहौना अनिल मुनकर। ए सिर्फ आम औरतां दी ड्यूटी नहीं, बल्कि मेरे रब ने अपने पैगंबर जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दियां बीवियां दी भी यह ड्यूटी लाई है। आखोगे किते लिखिया, कुरान च लिखिया है, अल्लाह दे कुरान दा 22वां पारा है। मौला फरमांदे ने या निसा नबी लस्तुन्ना का अहद मिनन निसाई इन तकैतुन्ना फला तखजान बिल कौल फयत्मा अल्लजी फी कल्बी मरजू वकुलना कौलम मारूफा। अल्लाह फरमांदे ने ऐ मेरे पैगंबर जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपनियां औरतां नूं कुरान सुना दियो, अपनियां बीवियां नूं मेरा पैगाम पहुंचा दियो। रब फरमांदा है ऐ नबी दियो बीवियो अल्लाह की हुक्म है। फरमाया लस्तुन्नका आदिम मिनन निसाई, तुसी आम औरतां वर्गियां नहीं, तुहाडा मुकाम बड़ा उच्चा है। इन्नी तक कही तुन फला तखजान बिल कौल, अगर तुसी अल्लाह कोलों डरदियां हो ते किसे गैर महरम नाल लचकदार लहजे नाल गुफ्तगू नहीं करनी। अगर तुहाडे दिलां दे अंदर तकवा ला तखजान बिल कौल, किसे गैर महरम अजनबी नाल लचकदार नरम लहजे नाल गुफ्तगू नहीं करनी, अल्लाह फिर की करना। फरमाया वकुल ना कौलम मारूफा, तुसां लोगां नूं कौले मारूफ कहने अच्छा
अच्छी बात दसनी है। सैयदना अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु दा कौल नकल कीता इमाम कुर्तबी ने अपनी तफसीर दे अंदर। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास फरमांदे ने कुलना कौलम मारूफा के मेरे रब ने अपने नबी दियां बीवियां नू हुक्म दिता है कि तुसा लोगां नू अच्छे कम्मा दा हुक्म देना है ते बुरे कम्मा तो मना करना है। किरदार अपने घर तो शुरू होवे, अपनी औलाद तो शुरू होवे, अपने खानदान तो शुरू होवे और फिर अल्लाह तौफीक दे ते मुआशरे च अमर बिल मारूफ दा काम करे, नहीं अनिल मुनकर दा काम करे। और मेरे पैगंबर दे मुतअद्दद बीवियां मुतअद्दद निकाह मुतअद्दद अज़वाज दा एक मकसद ये सी। मेरे नबी ने एक वक्त 13 बीवियां कीतियां, फिर 11वीं जो मेरे पैगंबर फौत होए 9 बीवियां मेरे नबी दे निकाह दे अंदर ने। मुल्हदीन और काफर बड़े बड़े एतराज करते ने, देखो जी मुसलमाना दे नबी इन्नियां बीवियां कीतियां और पर सुनो मेरे पैगंबर दे निकाह च इतनिया बीवियां लियाउन दा मकसद ये सी जितनिया औरतां ज्यादा होनगियां मेरे नबी दे निकाह विच ओनी तालीम घरां विच ज्यादा फैलेगी। और फिर फैली सब तो ज्यादा अल्लाह दे पैगंबर दे फरामीन नू खवातीन तक पहुंचाया ते अम्मा जी उम्मुल मोमिनीन सैयद आयशा सदीका पहुंचाया रजी अल्लाह ताला अन्हा। अम्मा जी उम्मे सलमा लोगों को पैगाम मेरे नबी दा पहुंचाया, उम्मे हबीबा रजी अल्लाह अन्हा ने मैगाम मेरे नबी दा पहुंचाया, सैयदा मैमूना सैयदा जैनब सैयदा रुकैया सैयदा हफ्सा सैयदा जनाब जवेरिया सैयदा मारिया किबतिया सैयदा सफिया इन्हां सारिया मेरे नबी दियां बीवियां ने मेरे पैगंबर दा पैगाम लोगों के घरां दे अंदर पहुंचाया, तालीम नुआम कीता। और औरत दी ये जिम्मेदारी है अपनी औलाद तो शुरू होके मुआशरे नू बनाने दे अंदर बेहतरीन किरदार अदा कर सकती है, एक मुसलमान नेक औरत कर सकती है। और फिर अल्लाह ने इसे वास्ते ते इन्हां दी सिफतां बयान कीतियां ने ना नेक औरतां दियां। रब फरमांदे ने इन्नल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात वल मुमिनीन वल मुमिनात वल कानतीन वल कानतात والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما। अल्लाह फरमांदे ने बेशक मुसलमान मर्द और मुसलमान औरतां और मोमिन मर्द और मोमिना औरतां और फरमा बरदार रब दे मर्द ते फरमा बरदार औरतां अल्लाह कोलो डरन वाले मर्द रब कोलो डरन वालियां औरतां सच बोलन वाले मर्द सच बोलन वालियां औरतां सबर करन वाले मर्द सबर करन वालियां औरतां सदका देन वाले मर्द सदका करन वालियां औरतां रोजे रखन वाले मर्द रोजे रखन वालियां औरतां अपनियां शर्मगावां दी हिफाजत करन वाले मर्द अपनियां शर्मगावां दी हिफाजत करन वालियां औरतां अल्लाह दा जिक्र करन वाले कसरत नाल मर्द अल्लाह दा जिक्र कसरत नाल करन वालियां औरतां। अल्लाह तू इन्हां सारियां नूं की अता करना चाहना है? फरमाया अअदल्लाहु लहुम मगफिरतन व अजरन अजीम। अगर मर्द ते औरतां मुसलमान बन जन फरमा बरदार बन जन सच बोलन वाले बन जन सबर करन वाले वालियां बन जन रब कोलो डरन वाले वालियां बन जन सदका करन वाले वालियां बन जन रोजे रखन वाले वालियां बन जन अपनियां शर्मगावां दी हिफाजत करन वाले वालियां बन जन अल्लाह दा जिक्र करन वाले वालियां बन जन मेरे रब दा वादा है मैं इन्हां दे गुनाह भी माफ कर दियांगा अजरे अजीम जन्नत दी सूरत दे अंदर अता फरमा दें।
ਕਰਾਂਗਾ। ਓਏ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਬਣ ਜਾਣ, ਸਾਡੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਬਣ ਜਾਣ ਕਿ ਉਹ ਬਿਹਤਰੀਨ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਨੂੰ ਤਸ਼ਕੀਲ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਦੂਜਾ ਹੀ ਕੰਮ ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਟਾਕਰ ਹੀ ਠੀਕ ਨੇ, ਨੱਚਣ ਗਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਠੀਕ ਨੇ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਨਦਾਨ ਬਿਹਤਰੀਨ ਤਸ਼ਕੀਲਬਾਨ, ਬਿਹਤਰੀਨ ਕੌਮ ਤਸ਼ਕੀਲ ਪਾਏ? ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਆਪਣੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹਾਓ, ਨਬੀ ਪਾਕ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਪੜ੍ਹਾਓ, ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਦੀਨ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਦਿਲਾਓ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਨਾ ਪੜ੍ਹਾਓ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੜ੍ਹਾ, ਕਾਲਜ ਪੜ੍ਹਾ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਪੜ੍ਹਾ, ਪਰ ਖੁਦਾ ਰਾ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਕੁਰਾਨ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾ, ਨਬੀ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੇਰੀ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ, ਤੇਰੀ ਮੇਰੀ ਬਹਿਨ, ਤੇਰੀ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਉਹ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏ? ਮੁਸਲਿਮਾਤ ਬਣ ਜਾਏ, ਮੋਮਿਨਾਤ ਬਣ ਜਾਏ, ਕਾਨਤਾਤ ਬਣ ਜਾਏ, ਖਾਸ਼ਿਆਤ ਬਣ ਜਾਏ, ਮੁਤਸੱਦਕਾਤ ਬਣ ਜਾਏ, ਸਾਦਕਾਤ ਬਣ ਜਾਏ, ਸਾਇਮਾਤ ਬਣ ਜਾਏ, ਹਾਫਿਜ਼ਾਤ ਫਰੂਜ ਬਣ ਜਾਏ। ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਔਰਤਾਂ ਕੋਲੋਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਮੁਆਸ਼ਰਾ ਤਸ਼ਕੀਲ ਪਾਏਗਾ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਜ਼ੀਮ ਕਿਰਦਾਰ ਹੋਏਗਾ। ਕਿਧਰੇ ਮੁਜਾਹਦ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਧਰੇ ਆਲਮ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ, ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਦੇ ਮੁਹਾਫਿਜ਼ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਸਲਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਮੁਸਲਿਹੀਨ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ। ਅਗਰ ਆਪਣੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰਾਹ ਤੇ ਚਲਾ ਦੇ, ਤੇਰਾ ਮੁਆਸ਼ਰਾ ਸਿੱਧੇ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਲਾ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਸੁਣਿਆ ਜੋ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿਤਾਬ ਉਹ ਸੁਨਤ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਮਲ ਪੈਰਾ ਹੋਣ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ। ਮੇਰਾ ਮੌਜੂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਖੁਸ਼ਕ ਜਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਮਾਜ਼ਰਤ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੇ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਬਾਤ ਬੁਰੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ। ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਵਰਹਿਮਤੁਲਲਾਹ ਵਬਰਕਾਤ।